पंजाब में पराली जलाने के चलते किसानों पर एफआईआर दर्ज करने के मामले को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। पंजाब सरकार की तरफ से एग्रीकल्चर विभाग के सीनियर अधिकारी राहुल गुप्ता कोर्ट में पेश हुए, जिन्होंने ओरल सबमिशन देते हुए अपना पक्ष रखा, लेकिन कोर्ट ने लिखित जवाब फाइल करने के आदेश दिए, जिसके बाद सरकार ने कोर्ट से 2 हफ्ते का वक्त मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन कादियां और अमराला ग्रुप की तरफ से याचिका डाली गई थी कि या तो सरकार पराली के लिए मशीनें खरीदने के लिए मुआवजा दे या फिर पराली जलाने को लेकर नोटिस ना भेजे और चालान ना काटे। ओरली स्टेट ऑफ पंजाब ने जो इन्फॉर्मेशन है हाई कोर्ट दे विच ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। हुण तक फार्मर्स दे अगेंस्ट 105 FIRs ने जड़ियाँ 104 या 5 FIRs अंडर सैक्शन 188 IPC दे अंडर लॉज कीतियां ने। किस लिए लॉज कीतियां ने कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जो ऑर्डर 144 CRPC दे विच पास कीते सी ओदी वायलेशन करके, वो ऑर्डर जिहड़े 144 CRPC दे विच डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने पास कीते सी टू बैन दी स्टबल बर्निंग, भी कोई फार्मर अग नहीं लाएगा, इस करके जिहड़ियां FIR हैं भी उन्होंने 104 दे करीब फार्मर्स दे अगेंस्ट कीतियां ने। उस तो बाद जिहड़े जॉइंट सैक्रेटरी है उन्होंने ओरली ये सबमिट किया है कि सेम जिहड़ा कॉज ऑफ एक्शन ते केस इस टाइम प्रेजेंटली पेंडिंग इन दी एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग है, वो ओरल सबमिशन सी। कोर्ट ने डायरेक्ट किया भी रिप्लाई रिट नू रिप्लाई फाइल करो और फॉर दैट दे सॉट अगेन एडजॉनमेंट फॉर फाइलिंग द रिप्लाई। 2 वीक्स टाइम ग्रांट किया स्टेट ऑफ पंजाब नू टू फाइल द रिप्लाई। AG टू रिप्रजेंट द स्टेट ऑफ पंजाब एंड एज इन कंप्लायंस टू द लास्ट ऑर्डर राहुल गुप्ता जॉइंट सैक्रेटरी कम प्रेजेंट इन द कोर्ट इन कंप्लायंस ऑफ द लास्ट ऑर्डर। सो नेक्स्ट टू दैट इफ दी सेम कॉज ऑफ एक्शन इज पेंडिंग इन द एपेक्स कोर्ट, जे सुप्रीम कोर्ट दे विच सेम कॉज ऑफ एक्शन ते केस पेंडिंग पिया होया है, सानू कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ माय क्लाइंट्स वी विल प्रोसीड देयर, बट टिल डेट स्पेसिफिक सिमिलर पटिशन साडी नोटिस दे विच जां किसी होर दे नोटिस विच पेंडिंग नहीं है। इन फ्यूचर इफ वी ट्रेस आउट दैट दैन वी विल प्रोसीड देयर इन द सुप्रीम कोर्ट to protect the interest of the farmers.